I want to reach 1 million likes. So please, Okay, thank you. Wow, यार अपनी पैंट की जेब में हाथ डाल के एडजस्टमेंट करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। सो हेलो एवरीवन, फिर हम उस ब्लॉक को ख़त्म करते हैं और हमारा दूसरा थर्ड ब्लॉक चालू हो जाता है और इसमें हम मंदिर का दर्शन करने के बाद निकल जाते हैं उज्जैन में थोड़े और जगह घूमने के लिए। और यहाँ पे हम करते हैं ऑटो और ऑटो वाला बोलता है कि तुम्हें कुछ 6-7 जगह लेके जाता है, कुछ 4.5 बनाया तुमको। और हम निकल चलते हैं अपने आगे के सफर के लिए। अच्छा, हमको सिखा रहा है। फिर हम यहाँ से जाते हैं कृष्णा और जहाँ पे सुदामा और बलदाम ने या वो अपना बचपन में जितना भी था वो ऋषि मुनि से उनसे अपना सब बचपन यहाँ पे निकाला था, जो भी पढ़ाई वढ़ाई करी थी सब यहाँ पे करी थी। और इसमें मैं थोड़ा तुमको ये लिखा दिखा दे रहा हूँ कि हम लोग उससे पहले उसके बाद हम कॉरिडोर गए थे, कॉरिडोर में भी हमने क्या क्या देखा था। तो तुम बने रहो मेरे साथ और देखते रहो। फिर हम पहुँच जाते हैं वहाँ पे आश्रम पे जहाँ पे कृष्ण भगवान सुदामा और बलदाम ने यहाँ अपने बचपन की पढ़ाई की थी सारी। और फिर हम अंदर जाते हैं और अंदर जाते हैं तो यहाँ पे दो जगह होते हैं पूरा जहाँ पे सारा हमको लिखा हुआ होता है इस चीज़ के बारे में कि क्या क्या उन्होंने पढ़ाई करी है, तो तुम लोग देखो अभी। ठेले वाले तो इसमें तुमको बोलेंगे कि तुम ये ले लो वो ले लो 350 प्रसाद ले लो, पर तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें चढ़ाना तो तुम चढ़ाओ, नहीं चढ़ाना तो मत चढ़ाओ, हमारे जिससे गलती मत करना, ले लेना जबरदस्ती में आके ये फंस गया सी है। तो बस तुम देखो आगे कि तुम्हारे फोन पड़े तभी लेना, नहीं पड़े तो नहीं लेना। फिर हम वहाँ से निकल जाते हैं काल भैरव मंदिर और इसमें हमें अंदर कैमरा अलाउ नहीं था तो हमने कुछ दिखाया नहीं इसमें। फिर हम मंदिर से जाने से पहले फ़ोन वोन से वहाँ जमा करा देते हैं। अभी हमने मोस्टली जगह तो घूम चुकी है, अभी बस हमारे कॉरिडोर बाकी है घूमना। कॉरिडोर घूमते उसके बाद अपना जो भी सिनेमैटिक शॉट्स निकलेगा सब एक चीज़ सब दिखा दे तुमको क्या सीन है यानी। बाकी फिर 6-7 जगह घूमी थी जितनी जो दिखाई दिखाई, काल भैरव है, मंगल गए, मंगल के मंदिर गए, फिर बाकी जो मंदिर गए वो गणेश जी के मंदिर, माता जी के मंदिर, इतने सब 4-5 जगह और दूसरे घूमे। बाकी बस एक लास्ट कॉरिडोर करके एक्सप्लोर करना, उसको एक्सप्लोर करके शाम के 5 बजे टेंट करके अहमदाबाद निकलते हैं। उज्जैन महाकाल के मंदिर के अभी पूरा इसको एक्सप्लोर करेंगे एक एक चीज। आज तो फाउंटेन भी चालू है, ये लगा था शाम को ही फाउंटेन चालू होगा, बस फाउंटेन अब भी चालू है। अरे चूतिया भाई, इसको कपल से तो फुर्सत ही नहीं मिलती है, पता नहीं इसको क्या है, क्या बोलूँ इसको मैं, कुछ फुर्सत ही नहीं कभी। लड़कियों को देगा यही काम करेगा, इसको और कुछ काम धंधे नहीं है, 10वीं फेल मार चोक दिए भैया जी अब तो। फिर हम आ जाते हैं इधर फाउंटेन पे और इधर थोड़ी देर बैठते हैं, हम माइंड यहाँ रिलैक्स हो जाता है यहाँ का जो आजू बाजू का पूरा व्यू देख के, थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं फिर निकलते हैं आगे की ओर। आ जाते हैं इधर जहाँ पे 500 ऋषि मुनियों की मूर्तियाँ थी और वो मूर्तियाँ मैं तुमको दिखाता हूँ कितनी बड़ी बड़ी थी और अच्छे तरीके से यहाँ पे बनाई गई थी। फिर यहाँ पे उसकी काली माता की बहुत बड़ी मूर्ति। और ये हमारे इधर एक शिव जी की मूर्ति है। इधर काल भैरव का
स्कल्पचर आई एम द डेविल ऑफ माय वर्ल्ड ही इज द डेविल ऑफ हर ओन वर्ल्ड हिज ओन वर्ल्ड सॉरी फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे जहाँ पे बहुत सारे स्कल्पचर्स होते हैं अलग अलग नाम के फिर स्कल्पचर्स हम देखते हैं यहाँ से फिर हम निकलते हैं आगे दूसरे साइड की तरफ राइट साइड में और बहुत सारे स्कल्पचर्स और ऐसी बहुत सारी मूर्तियाँ थी तो हम लोग एक एक चीज़ करके देखते हैं और फिर निकलते हैं और ये तो कुछ नहीं यहाँ के पिलर्स देखो तुम पिलर्स में भी हर एक जगह पे कितने पिलर्स में भी अलग अलग बताया हुआ है पुराना हिस्ट्री अपने और उसे बनाने में क्या ही खर्चा हुआ बना भाई जो लग रहा है ना यहाँ का व्यू तो धूप अगर शाम का टाइम पे आता तो और अच्छा व्यू आता पर क्या कर सकते हैं हमें जाने शाम के टाइम पिछले नहीं आ सकते और यहाँ पर हमें दिया है यहाँ पे हम आते अंधकासुर की कथा अब यहाँ पे तुम ये जो QR दिया है तुम ये QR स्कैन करके ये जो ऐप डाउनलोड करेंगे उज्जैन महाकाल ऑडियो ऐप इस पर तुमको सारे डिटेल बताएगी कि क्या क्या हुआ था क्या इसके ऊपर स्टोरी के बारे में हिस्ट्री के बारे में ये अच्छा चीज़ है नाथ का मूर्ति यहाँ पे जस्ट ये शिव जी की मूर्ति के बाजू में और इसके बाजू में एक और मूर्ति है तो मैं पास से ले जाके दिखाता हूँ तुमको अभी तो भाई वहाँ चलते हैं अभी तुम्हें दिखा रहा था कुछ समझ में इसमें लिखा है विवाह में वर रूप में जाने वाली शिव की शोभ यात्रा का बारात का व्यू है पूरा जो सीन हुआ था हमें पता नहीं हिस्ट्री में क्या हुआ था हम तो खाली बस देखने आए फिर हम जाते हैं इधर और इधर हो रहा था समुद्र मंथन का मूर्ति बनाया हुआ है जिस साइड एक साइड राक्षस है और एक साइड देव है और कुर्मा पर्वत हुआ था ये और जिसमें शिव जी ने अपना वो विष पी लिया था दोनों 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 से देने की जगह पे खुद ही विश पिए गए थे तो वो वाला पूरा सीन यहाँ पे दिखाया गया है और कितना बढ़िया तरीके से दिखाया गया है भाई और हमारे एक और स्कल्पचर है पता नहीं क्या नाम तुमको खाली स्कल्पचर दिखा रहे हैं ओह और एक अपना ये बहुत बड़ा एक पंचमुखी हनुमान विराजे हुए इनके पीछे हमारे तीन स्टैचू और है जो तो मैंने तुमको अभी दिखाए बड़ी शिव जी की मूर्ति यहाँ पर रखी है और पीछे का व्यू मेजर दिया हुआ है कैलाश पर्वत जैसा बैकग्राउंड दिया हुआ है अपना फोटो तो मस्त है भाई जो स्टैचू बनाई है ना परफेक्ट एकदम और ये बड़ी स्टैचू यहाँ पे दी हुई है एंड में कॉरिडोर के इधर भारत माता के मंदिर के बाजू में तीन तीस बाकी थी दिखाना एक थी अपने कार्तिकेय प्रभु की स्टैचू और एक अपना इस साइड कुछ बना हुआ ये मस्त बना है क्या व्यू लग रहा है ये है त्रिपुरा सुरवत का स्टैचू ये है त्रिपुरा वर्ष का स्टैचू देख सकते हो तुम यहाँ और ये मस्त तरीके से बना हुआ है इसमें शिव भगवान तीनों असुरों का वध कर रहे हैं और इस साइड है अपने गणेश जी की मूर्ति एक बहुत बड़ी बस आज के लिए इतना ही पूरे कॉरिडोर का एक्सप्लोर कर चुके हैं इसमें आज तक अभी इतना ही था तो बाकी तुम हमारी ट्रिप देखते रहो हमारे साथ अभी हम जाने का वापस बैक टू दूसरा दूसरा थर्ड पार्ट आएगा इसका कंटिन्यू करेंगे वो जाएगा अपना बैक के साइड रिटर्न घर वापसी का ब्लॉग आने वाला मेरा घर का
इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे दो तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।